हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदन स्वामी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज स्वामी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे किस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, यानी कि किसी वीडियो को देखते समय कितने लोगों ने नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया था। अब बात जब सब्सक्राइब बटन की आ ही गई है, तो आप भी इस वीडियो को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि इस वीडियो को देखते हुए कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से वीडियो को देखते हुए कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो ऐप पर आने के बाद आपको डैशबोर्ड वाले पास वाले ऑप्शन कंटेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप जिस भी वीडियो के बारे में देखना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए या फिर देखने के बाद कितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आपको उस वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गो टू वीडियो एनालिटिक्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एनालिटिक्स में आने के बाद आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको इस तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके इस वीडियो को देखते हुए कितने लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन है इसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।